हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस, हमारे आज किस नई वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने यहाँ पे जो ओप्पो का फ़ोन रहता है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, तो आप अपने यहाँ पे ओप्पो वाले फ़ोन में जो वाईफाई रहता है आपका गाइस, अगर आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस किस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि यहाँ पर ओप्पो का डिवाइस है, और यहाँ से अगर आप स्लाइड करते हैं तो आपका वाईफाई जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई इसके आपको यहाँ पे करना क्या हो, जो कि आपका यहाँ पे वाईफाई रहता है, तो भाई इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वाईफाई है, तो यहाँ से गाइस स्लाइड कर लेंगे इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है गाइस, यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसलिए गाइस आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो है गाइस इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद गाइस आपका यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद जो है वाईफाई वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आ चुका आपके सामने वाईफाई वाला ऑप्शन, और यहाँ पे गाइज आपको सिंपली वाईफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे गाइज आप यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है यहाँ पे गाइज देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वाईफाई यहाँ पर आ चुका है, इसको गाइज क्लिक करेंगे, और यहाँ पर गाइज इसको कनेक्ट करने के लिए इसका पासवर्ड जो है गाइज इसको एंटर करना है। तो यहाँ पर गाइज जैसे कि मैं एंटर कर देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे गाइस टिक मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वाईफाई यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे गाइस क्या करना है, रिफ्रेश कर लेंगे, और यहाँ पे गाइस जो कि मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, तो उसको गाइस अगर डिस्कनेक्ट करना चाहते हो वहाँ पर डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं इजली QR कोड से। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते गाइस आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।